बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाला यह बजट सत्र वर्तमान सरकार के संसद का अंतिम सत्र है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। वह सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हैं। इस बजट सत्र में जहां एक ओर सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है, तो दूसरी ओर विपक्ष राफेल विमान सौदे, किसानों से जुड़े विषयों समेत अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को घेरेगी। वैसे बजट सत्र के पहले दिन सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है, लेकिन चुनावी साल होने के चलते अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा। सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा, आज देश में जागरूकता है, आशा करता हूं कि सांसद चर्चा में हिस्सा लें, सदन को फायदा पहुंचाएं, सदन में जितना काम हो उसका उपयोग करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। उत्तम और सकारात्मक लाभ दें, क्योंकि अब जनता के बीच जाना है। मुझे विश्वास है कि गंभीरता रखेंगे, सबका साथ सबका विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो वहीं वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण से जुड़ी अनेक योजनाओं की घोषणा कर सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे। अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इससे पहले वित्त मंत्री रहते हुए जेटली ने 5 बजट पेश किए हैं। आम चुनाव के बाद मई में चुनकर आने वाली नई सरकार ही जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी और उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान सरकार की ओर से अयोध्या में गैर विवादित 67 एकड़ जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में पीस अर्जी का मुद्दा भी उठ सकता है। भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। विपक्ष की ओर से सरकार के लोक लुभावन घोषणाओं का विरोध किए जाने की उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी।